लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी में उन सांसदों की भी संख्या सबसे ज्यादा है जो दलित और आदिवासी समुदाय से आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने कुल आरक्षित सीटों में से 60% से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में 2014 की लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा बड़ी जीत दर्ज की। पिछली बार बीजेपी को 282 जबकि एनडीए को कुल 336 सीटें मिली थीं। वहीं इस बार बीजेपी ने अपने बूते पर 303 सीटें जबकि एनडीए ने कुल 353 सीटों पर कब्जा किया। अगर हम देश में आरक्षित सीटों की बात करें तो कुल 543 संसदीय क्षेत्रों में से 131 सीटें आरक्षित हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने इस बार 21 सीटें ज्यादा जीती हैं, जिनमें से 10 सीटें आरक्षित कोटे से जीती हैं। आंकड़ों के मुताबिक जिन 131 सीटों पर चुनाव जीतकर दलित और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि संसद पहुंचे हैं उनमें से 85 सीटें एनडीए के पास हैं। इनमें सबसे ज्यादा 77 सीटें बीजेपी ने जीती हैं जबकि 2014 में यह आंकड़ा 67 था। शिवसेना और एलजेपी ने 3-3 सीटें और जेडीयू ने 2 सीटें जीती हैं। वहीं यूपीए के खाते में महज 15 सीटें आई हैं जिसमें कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। पिछली बार यह आंकड़ा 12 था। वहीं डीएमके को 5 और 1 सीट एनसीपी को मिली है जबकि अन्य दलों के खाते में 31 सीटें गई हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि बीजेपी ने दलित आदिवासी समुदाय में जबरदस्त पैठ बनाई है जबकि इन्हीं समुदाय के नाम पर बनी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। अंकुश चौबे, गो न्यूज़।